तो वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया से मुखातिब हो रहे। कांग्रेस ने सेना की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, ये कहा उन्होंने। इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस ने भारत की योग्यता के साथ भी न्याय नहीं किया। कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस राज में महंगाई दर 26% तक पहुंची। मोदी सरकार में सबसे कम महंगाई। कांग्रेस के न्याय पत्र पर विदेशी तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता में तमाम सारी बातें कही गई। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया तो मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जो उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है।